एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानी किचन एंड केक्स। और आज हम बनाने वाले हैं रेड वेलवेट कपकेक्स विद फ्रॉस्टिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम आज रेड वेलवेट कपकेक्स बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क मेड और बटर को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें डालेंगे एक अंडा, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा को भी अच्छे से छान करके और उसे हम आपस में मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से छान लेना है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो 1 TSP होगा, और इसमें हम 1/2 TSP बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लुकवॉर्म वाटर ऐड करेंगे या फिर मिल्क ऐड करके हम इसकी कंसिस्टेंसी अब हम डालेंगे वेनिला एसेंस, रेड फूड कलर्स, सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। कपकेक बेकिंग ट्रे को लाइनर लगाकर रेडी कर लेंगे और उसको बैटर से फिल कर लेंगे। हमारी ट्रे रेडी है बेकिंग के लिए। तो प्री हीटेड अवन में हम इसे 160 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये देखिए हमारे कपकेक्स बनके तैयार हैं। चलिए अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं क्रीम चीज के साथ। क्रीम चीज बनाने के लिए चाहिए हमें एक बाउल, जिसमें ऐड करेंगे हम बटर एंड पाउडर शुगर, और हमें क्रीम चीज चाहिए। इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम व्हिपिंग क्रीम और इसको भी मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए हमारी क्रीम बनके तैयार है। अब हम इसे पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लेंगे और कपकेक्स को मनचाहे डिजाइन से डेकोरेट कर देंगे। ऊपर से स्प्रिंकल्स या फिर कपकेक्स के क्रम्स को डालेंगे। ये लीजिए हमारे कपकेक्स विथ क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी है। इस विधि से आप भी कपकेक्स बनाइए, ये बहुत अच्छे बनेंगे। और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, अगर आप बनाते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपके कपकेक्स कैसे बने।